नागरिकों से ठगी करने वाले साइबर अपराधियों ने साइबर पुलिस को ही शिकार बनाया है। साइबर सेल के नाम से बैंक को फर्जी ईमेल आईडी भेजकर देश भर में नागरिकों को चुना लगाया है। साइबर पुलिस ने इस रैकेट का भंडाफोड़ करके स्क्रिप्ट राइटर सहित मुंबई से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें शुभम पीताम्बर साहू इंदिरा नगर मुलुंड वेस्ट तथा प्रद्युम अनिल सिंह आजाद नगर मलाड ईस्ट निवासी है। शुभम खुद को स्क्रिप्ट राइटर बताता है, उसका मुंबई में स्टूडियो है। उसके खिलाफ पहले भी साइबर ठगी के मामले दर्ज है। प्रद्युमन निजी कंपनी में काम करता था। शुभम से जुड़ने के बाद वह ठगी करने लगा। आरोपियों ने नागपुर साइबर पुलिस के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाई थी और इस आईडी से अलग अलग बैंक को ईमेल भेजकर ग्राहकों के खाते फ्रीज अथवा डी फ्रीज करने के लिए बोलते थे। बैंक अधिकारी भी फर्जी आईडी से भेजे गए ईमेल पर भरोसा करके ग्राहकों के खातों को फ्रीज और डी फ्रीज करते थे। अकाउंट फ्रीज होने के बाद खाताधारक को फोन करते थे। मुंबई साइबर ब्रांच का पुलिस अधिकारी बनकर उसके खाते में धोखाधड़ी की राशि जमा होने की बताते थे। मामला दर्ज होने से बचने और खाता डी फ्रीज करने के बदले में पैसों की मांग करते थे। खाते में जमा राशि के अनुसार रुपए मांगते थे। इसी तरह का एक मेल दत्तवाड़ी स्थित आईसीआईसीआई बैंक को भेजा गया। ईमेल से बैंक मैनेजर श्वेता पानीग्रही को संदेह हुआ। उन्होंने साइबर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस अवाक रह गई। उसके नाम से फर्जी ईमेल बनाया गया था। उसने 6 जुलाई को मामला दर्ज कर जांच आरंभ की थी। जांच में आरोपियों के लिप्त होने का पता चला। पुलिस ने मुंबई में दबिश देकर दोनों को दबोच लिया। आरोपी पहले टास्क फ्रॉड करते थे और टास्क फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के खाते में मुनाफे के नाम पर आरंभ में राशि जमा की जाती है और बाद में आरोपी टैक्स फ्रॉड के शिकार होते ही साइबर पुलिस का अधिकारी बनकर फोन करके धमकाते थे। उसे खाते में जमा की गई मुनाफे की राशि साइबर फ्रॉड के होने का बताते थे। ऐसे शिकार घबरा जाता था। वह मामला दर्ज होने से बचने के लिए आरोपियों के बताए गए अनुसार उनके बैंक खातों में रुपए जमा कर देता था। इस तरह कई बैंकों को फर्जी आईडी से ईमेल भेजकर आरोपी लोगों को शिकार बना रहे थे। जागरूक मैनेजर पानीग्रही ने आरोपियों के ईमेल को गंभीरता से लिया। उन्होंने साइबर पुलिस का ईमेल पता किया और आरोपियों के ईमेल में मामूली अंतर था। इससे पानीग्रही का संदेह गहरा गया था। आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, पीएनबी, इंडसइंड तथा कोटल बैंक को फर्जी ईमेल भेजे हैं। ये कार्यवाही डीसीपी निमित गोयल के मार्गदर्शन में पीआई अमित डोलस, अमोल देशमुख, एपीआई विजय भिसे, मारुति शील के कर्मचारी चंद्रशेखर डटवल, बबलू ठाकुर, रोहित मटाले तथा सुशील चंगोले ने की है। आपल्याकडे आयसीआयसीआय बँकेचे असिस्टंट मॅनेजर कडून एक माहिती आलेली होती की त्याचे ऑफिशियल ईमेल वर एक सायबर क्राईम सेल - नागपूर @ महाराष्ट्र पोलीस .in म्हणून एक ईमेल आलेला आहे, ज्याच्यामध्ये सर्टेन अकाउंट जो ते ईमेल मध्ये लिहिलेलं आहे की सर्टेन अकाउंट फ्रीज करायचे आहे आणि सर्टेन अकाउंट रिफ्रीज करायचे आहे। तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की जेवढे गव्हर्नमेंट ईमेल्स होते ते एंड मध्ये त्याच्या डोमेन नेम gov.in असते, तर ते नसल्यामुळे ते मॅनेजरला शक आला आणि ते माहिती त्याने आपल्याकडे आपल्याकडून शेअर केली आणि ते ईमेल बघायला नंतर आपल्याला पण कळलं की आपलाही केसीने फर्जी ईमेल तयार करून ते बँकांसोबत कॉरेस्पॉन्डन्स करतात। आपण लगेच त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल केला। गुन्हा नंबर 89/24 कलम 170(4)(67), (68), (67), (68), मानवी आणि आय टी ऍक्टला गुन्हा दाखल केला। त्याच्यामध्ये आपण सखोल तपास केली आणि मुंबईमध्ये आपली टीम गेलेली होती आणि त्याच्यामध्ये त्याने दोन आरोपी अटक करायला हरीश भेटला। ते आरोपीचे नाम आहे प्रद्युम अनिल सिंग आणि शुभम पीताम्बर साहू। आणि ज्यावेळेस आपण फर्दर तपास केली त्याच्यामध्ये तो आपल्याला कळला की या ईमेल आय डी वापरून जवळजवळ 6 बँकेला त्याने ईमेल केलेला होता आणि 176 बँक अकाउंट बद्दल कॉरेस्पॉन्डन्स केलेला होता की ते अकाउंट फ्रीज करायचे किंवा डी फ्रीज करायचे। आणि त्याच्या मोडस एवढाही होता की ते आपल्याकडून ईमेल बँकाला पाठवणार आणि ते अकाउंट फ्रीज करून देणार आणि नंतर ते संबंधित बँक अकाउंट जो होल्डर आहे त्यांना त्याच्याशी समन्वय करणार की आपल्याला एवढा पैसा तुम्ही या अकाउंटमध्ये टाकून द्या आणि तुम्हाला अकाउंट डी फ्रीज करून घेणार। तर या बाबतीचा एक चांगला जो डिटेक्शन आहे आपल्याकडे भेटलेला आहे आणि यापुढे पण आपण सायबर पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून वेगळे फ्रॉड जो आता चालू आहे त्याबाबतीचा अवेअरनेस ते आपण ड्राईव घेतो। आणि मी सर्वांना सांगतो की NCCRP एक पोर्टल आहे, आपल्याकडे अगर फ्रॉड झाला तर लगेच NCCRP पोर्टलमध्ये आपण दाखल करू शकतात किंवा सायबर सेलची हेल्पलाईन आहे 1930 ते आपण माहिती देऊ शकतात। आणि त्याच्यामध्ये जो पीरियड ऑफ फ्रॉड आहे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। जैसे आपल्याला कळलं की आपल्याशी फ्रॉड झाला तुम्ही त्याच्यावर लगेच संपर्क करा। आणि जो आपला एक गोल्डन आर होता है
अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ और विद इन 1 आवर आपने बता दिया, तो वो ट्रांजेक्शन रोक सकता है कि वह जब गोल्डन आवर निकला ते लवकर ही आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन भेटली तर ते पैसे फ्रीज होऊ शकतात आणि कोटाच्या माध्यमातून आपल्याला ते पैसे परत पण भेटतील. कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com.